स्टूडेंट माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है JTT मींस जॉन टेलर थ्योरम भी हम इसे कहते हैं, या हम इसे कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास बीएससी थर्ड ईयर का। मेटल लिगेंड्स का जो बॉन्डिंग वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे, हमने वहाँ पर स्प्लिटिंग डिस्कस की थी, CFSE डिस्कस किया था और CFT डिस्कस किया था। ये उसका एक लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी डिजाइन हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी डिजाइन हो सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, टॉपिक तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है JTT का, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और जॉन टेलर थ्योरम की अगर मैं बात करूँ, एक ही चीज़ है, टॉपिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और हम इस टॉपिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपके यहाँ ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। जितना है उतना मैं बता देता हूँ आपको, जितने की आपको आवश्यकता है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सीखने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, वो आप प्लीज़ थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए, आपको पता है जब आप क्लास 11 12 बीएससी पार्ट 1 में आपने सब पढ़ा है कि अगर टोटल बॉन्ड आपके 4 है, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा कि टोटल बॉन्ड आपके 4 है, तो आप कहते थे कि सर वो sp3 हाइब्रिड होगा और सर वो टेट्राहेड्रल होगा, है ना। आपका जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से टेट्राहेड्रल होगा, ये बात आप जानते थे, ठीक है। मेरे पास एक तो मीथेन का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, एक मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, और एक मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, आपको पता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पर सिंगल बॉन्ड को भी आप 1 काउंट करते हैं, डबल को भी 1 मान लीजिए, ट्रिपल को भी 1 मान लीजिए, लोन पेयर को भी आप 1 मान लीजिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी आप 1 ही काउंट कर लीजिए, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अगर आप इसके टोटल बॉन्ड्स काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड 4 है, ये sp3 हाइब्रिड होगा, 1 2 3 4 क्योंकि लोन पेयर को भी 1 काउंट करना है, ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, 1 2 3 4 और ये भी sp3 हाइब्रिड होगा। लेकिन आपको याद होगा, आपने सारी चीज़ें पढ़ी है, लोन पेयर आने से क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। लोन पेयर आने से क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। रेगुलर अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल होता है, इसका तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, इसका कैसा होगा, पिरामिडल होगा। आपने पढ़ा है लोन पेयर आने से क्या होगा, रिपल्शंस आ जाएंगे, है ना। जितने ज्यादा रिपल्शन होंगे उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन पैदा होंगे, आपके मॉलिक्यूल की शेप खराब हो जाएंगी। नेगेटिविटी क्लाउड बढ़ने से, इस नेगेटिविटी के क्लाउड बढ़ने से क्या होगा, आपके अरेंजमेंट्स बदल जाएंगे, ये थोड़े से दब जाएंगे बॉन्ड और शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, और शेप डिस्टर्ब हो जाएगी तो हम कह देते हैं कि भाई रिपल्शन होगा। रिपल्शन मीन्स बेस्पर थ्योरी ये कहती थी क्लास 11th और मैं या बीएससी पार्ट 1 की मैं बात करूं तो लोन पेयर अगर जहां पे होगा वहां पे ज्यादा रिपल्शन होगा, कंपेयर करूं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, और बॉन्ड पेयर में बहुत पुअर रिपल्शन होगा। ये आपके रिपल्शन का ऑर्डर था बेस्पर थ्योरी के बेसिस पर। आप लोग सब जानते हैं कि आप कोई बॉन्ड बनाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड बनाने में चले गए उनको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। आइए जरा समझ लीजिएगा, वाटर के पास लोन पेयर है, आप देख सकते हैं बहुत मैक्सिमम रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, शेप आपकी खराब हो जाएगी, रेगुलर नहीं होगी, बेंट होती है या वी शेप कहते हैं हम लोग, ठीक है। अमोनिया के अंदर आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिलेंगे, जिसकी वजह से ये भी रेगुलर नहीं होगी, ये पिरामिडल होती है, आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक्स में, पिरामिडल हो जाएगी। तो आप ये सब चीज किस बेसिस पे आंसर दे रहे थे कि सर लोन पेयर आएगा तो शेप हमारी डिस्टर्ब तो होनी है, क्योंकि रिपल्शन होंगे, मतलब रिपल्शन को आपने इफेक्टिव बोला कि भाई रिपल्शन एक जिम्मेदार है इन सारी चीजों की होने का। चलिए, आप पहले मैं क्लियर बात कर दूं कि JTT की जो थ्योरी है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की जो थ्योरी है, वो केवल आपके सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए नहीं है, टेट्राहेड्रल के लिए नहीं है, स्क्वायर प्लेनर के लिए भी नहीं है, ठीक है। मैं 1x1 बात करूंगा, लेकिन JTT पढ़ के हो रहे हैं पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन था। चलिए मैं पहले से हटा देता हूँ,
इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे जेटीटी के अंदर, ठीक है। जेटीटी क्या चीज है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, पहले तो मैं बता दूं जेटीटी क्या है, जॉन टेलर थ्योरम कहते हैं हम इसे, ठीक है, या हम इसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं, ठीक है। अब समस्या क्या आई है वो मैं बता दूं, जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की जो थ्योरी है वो कहती है कि हम केवल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए लागू होते हैं। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि केवल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए लागू होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ये थ्योरी आपकी अप्लाई नहीं होती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, केवल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम लोग, लीनियर पर जेटीटी अप्लाई नहीं होता है। और किस टाइप के कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे हम लोग, या हम उसे कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स किसकी बात करेंगे भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब कॉम्प्लेक्स हो, जो नॉन लीनियर हो, और हमारे लिए स्पेशली किसकी बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल की बात करें, मेटल कोई सेंटर में होगा, एक लिगेंड इधर होगा, एक लिगेंड इधर होगा, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर होगा, ये है ना, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा। ये सारे एंगल 90 के होंगे, ये दोनों जो एक्सियल पोजीशन पे, ये कैसे हैं, ये दोनों जो ऊपर टंग रहा है, ये नीचे टंग रहा है, ये कैसी पोजीशन है, ये एक्सियल बॉन्ड है आपके, ठीक है। और जो एक प्लेन पे रहते हैं, इसे हम इक्विटोरियल कह देते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, मींस किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, मान लो कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का अरेंजमेंट ऐसा होगा, उस सेंटर मेटल के पास भी तो लोन पेयर आते होंगे। बात यहां पे यही हो रही है कि सेंटर मेटल के पास भी तो लोन पेयर आते होंगे, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम करते हैं ज्यादातर, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए हमने एक रीजन भी बोल रखा है भाई, उनका साइज बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे कमाल की चीज, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो डी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है तो 6 लिगेंड्स चाहिए, वो ऐसी एक अरेंजमेंट्स करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि भाई जो मेटल होते हैं वहां पे भी तो लोन पेयर आएंगे, वहां पे भी तो लोन पेयर आएंगे, क्या उन लोन पेयरों का रिपल्शन नहीं होता? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था भाई अमोनिया पे लोन पेयर आया तो रेगुलर नहीं होगी सर, पिरामिडल हो जाएगी। वाटर पे लोन पेयर आया तो आपने कह दी कि रेगुलर नहीं होगी, टेट्राहेड्रल सर वेंट या वी शेप होगी। मींस मैं क्या कहना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्स के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, लोन पेयर का कोई रिपल्शन का मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोन पेयर आने से, समझ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वेस्पर थ्योरी का कोई काम नहीं है, वो लोन पेयर की कोई बात नहीं सुनती, कोई रिपल्शन फील नहीं करते। तो सर क्या करते हैं, कुछ तो करते होंगे। हाँ ये भी सुनने वाली बात है कि वो वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे तो काम नहीं करते सर, वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की तो बात सुनते ही नहीं है, लेकिन वो अपनी बात करते हैं। एक नया रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन का नाम होता है मेटलोजनेटेड डिस्ट्रॉशन होता है, मेटलोजनेटेड डिस्ट्रॉशन होता है मेटल्स के अंदर, और उसी डिस्ट्रॉशन की वजह से आपके ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अपनी ईडी स्टेट को, ईडी स्टेट जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेट स्टेट होती है, मींस वो एक अनस्टेबल स्टेट होती है, अनस्टेबल स्टेट से वो ईडी स्टेट को रिमूव्ड करते हैं, मींस अनस्टेबल से वो स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। जब भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से क्या होना चाहते हैं, अनस्टेबल होना चाहते हैं, और सबसे कमाल की चीज वो सिमेट्री रिमूव्ड करते हैं, क्या करते हैं, सिमेट्री को रिमूव करते हैं, ठीक है। अभी मैं जरा इनको 2 मिनट भूल जाइए, मैं फिर वापस आ रहा हूं। तो लोन पर आने से क्या होगा, लोन पर आने से क्या होगा कि लोन पर आएगा तो क्या होगा भैया, वेस्पर थ्योरी की तो सुनते रहेंगे, रिपल्शन फिर भी होते हैं, मतलब कुछ बॉन्ड छोटे होंगे, कुछ बॉन्ड बड़े हो जाएंगे। आप समझ लीजिएगा, मेटल और लिगेंड से जो बॉन्ड अटैच्ड है, कुछ बॉन्ड छोटे होंगे, कुछ बॉन्ड बड़े हो जाएंगे, रिपल्शन होगा। वो वेस्पर वाला रिपल्शन तो फील नहीं करते, वो एक नया रिपल्शन फील करते हैं, मेटलोजनरेटेड रिपल्शन करते हैं, डिस्टॉर्शन करते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, वो दो तरीके का होता है। अगर आपके किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में,
उस नए रिपल्शन की वजह से किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप प्लीज जहां देख लीजिएगा, आपके उस आप इसको एक जेड एक्सिस कह सकते हैं, आप इसको जेड एक्सिस कह सकते हैं, ये आपकी जेड एक्सिस है ना, आप इसको जेड एक्सिस मान सकते हैं, प्लीज आप इसे जेड एक्सिस कह सकते हैं, ये जेड एक्सिस है। तो आपके उस रिपल्शन की वजह से अगर आपके एक्सियल की बॉन्ड बढ़ जाती है, मतलब जेड जेड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो हम इन्हें कहते हैं जेड आउट होगा, हम इन्हें क्या कहते हैं, जेड आउट होगा। और अगर आपके उस रिपल्शन की वजह से जो नए नए रिपल्शन हुए हैं, बेस्पर थोरी वाले रिपल्शन नहीं, और अगर जेड के बॉन्ड बहुत छोटे हो जाते हैं, जेड के जो एक्सिस पर लिगेंड्स का जो अटैचमेंट था वो कैसे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं जेड इन होगा। तो जेड आउट जेड इन समझ में आया, एक नया रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन की वजह से या तो जेड एक्सिस बढ़ जाती है, जेड एक्सिस छोटी हो जाती है, मीन समझ रहे हैं, कुछ बॉन्ड सारे बॉन्ड है एक से नहीं रहते, कुछ बॉन्ड बड़े हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड छोटे हो जाते हैं, जहां पर जेड एक्सिस बड़ी होती है उसे जेड आउट कहते हैं, या जेड एक्सिस छोटी हो जाती है उसे जेड इन कहते हैं। एक और होता है वो आपके मतलब का नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रहा। तो इसी वजह से जेड आउट और जेड इन होने से बॉन्ड कुछ बड़े छोटे हो जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन। और ये डिस्टॉर्शन स्टडी किया था जॉन टेलर ने, इसलिए हम इसे बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने से क्या होगा, आपके मेटल की ईडी स्टेट जो होगी, ईडी स्टेट वो क्या होगी, ईडी स्टेट क्या करेगी, वो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगी, वो अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहेगी, ठीक है, वो आपकी अनस्टेबल स्टेट स्टेबल होना चाहेगी, और सिमेट्री रिमूव्ड हो जाती है, लोरिंग हो जाती है, सिमेट्री लो हो जाती है, ठीक है। ये दो चार बातें आपको याद रखनी है। अब मैं बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन कैसे आया, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ी सी बात करी हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से ऊपर, जेड आउट क्या है, जेड इन क्या है, छोटी छोटी बात है, अब आप खुद पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप खुद पढ़ेंगे, खुद अपने नोट्स से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, मैंने आपको बता दिया कि असली चीज क्या होती है, ठीक है। चलिए ईडी स्टेट क्या होती है, ईडी स्टेट आप लोग बता दूं मैं, ईडी स्टेट मींस ये होती है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेट स्टेट है, ये स्टेबल होना चाहता है, ये क्या होना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब जो आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईडी स्टेट होते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, ये स्टेबल होना चाहते हैं। आइए हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शंस के बारे में बता दीजिए कि कब डिस्टॉर्शंस होंगे और कब डिस्टॉर्शन नहीं होंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि हम दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए करते हैं और एक हम कर देते हैं वीक फील्ड लिगेंड के लिए कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जब हम करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दो सेट आपके डिवाइड होते थे, ईजी सेट तो ऊपर जाता था और टी टू जी सेट आपका नीचे आता था, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे खेल होगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे चीजें आएंगी निकलकर कि वीक फील्ड लिगेंड है तो भी सर ईजी सेट तो ऊपर आएगी और टी टू जी जो सेट होगी वो आपकी नीचे आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत प्यार से आपको समझाया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो पहले सारे नीचे बढ़ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन अगर वीक फील्ड है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, सब में पहले एक एक करके जाता है, कैसे जाता है, सब में सर एक एक करके जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता थी, ये हमने इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था, पहले प्लीज इतना नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। तो हम लोग डिस्टॉर्शन देख रहे हैं भाई, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देख रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ये आपको पता थी, ईजी ऊपर आता है, टीटू नीचे आता है, तो पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि जेटीडी कहाँ होगा कहाँ पे नहीं होगा, पहले तो हम ये फाइनल करते हैं कि जेटीडी कहाँ होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, होगा तो कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा, यही इतना ही लेवल आपका बीएससी थर्ड ईयर में रखा गया है, यही सब पूछा गया कि कहाँ पे होगा नहीं होगा, और होगा तो कहाँ पे ज्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा,
तो आइए मैं सब कुछ बारी बारी से क्लियर कर देता हूँ, आइए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मींस पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने पढ़ा होगा पहले से भी, मतलब मान लो अगर पी के पास तीन इलेक्ट्रॉन है आपके पास, पी के पास तो ये इस तरीके से हाफ फील्ड बढ़ जाएंगे, अगर पी के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके पी सिक्स आपके फुली फील्ड बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप पी के पास एक है या पी के पास दो आ रहे हैं इस तरीके से, या पी के पास तीन इलेक्ट्रॉन, तीन की बात ही नहीं कर रहे, चार की बात कर लीजिए, ठीक है चार आ रहे हैं या पांच आ रहे हैं, तो आप सुन लीजिएगा, जिनके पास हाफ फील्ड या फुली फील्ड आ रहा है, जिनके पास डी में पी में या जो भी है हाफ फील्ड या फुली फील्ड आते हैं, वो तो मेरे बच्चे स्टेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं और वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, लेकिन जहां पे भी इनकम्प्लीट दिखाई दे तो मैं थोड़े से वहां पर डिस्टॉर्शन होंगे। तो एक बात तो ये तय हो गई कि कहां डिस्टॉर्शन होंगे और कहां डिस्टॉर्शन नहीं होंगे। तो पहले तो मैं वो कंडीशन क्लियर कर देता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए, कहां डिस्टॉर्शन होंगे और कहां डिस्टॉर्शन नहीं होंगे, ठीक है। हम वन बाई वन बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी बात करेंगे और हम लोग वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन फिल करना सब पर आता है, बिल्कुल आता है, इलेक्ट्रॉन फिल करना सबके पास आता है, कैसे कि चाहे आप या स्ट्रॉन्ग फील्ड के बेसिस पे भरेंगे तो पहले सारे नीचे फिल हो जाएंगे, और वीक के लिए करेंगे तो सब में पहले एक एक कर कर जाएगा, ये बात आपको पता थी। तो कहां डिस्टॉर्शन नहीं होगा, पहले कंडीशन मैं वो ले रहा हूं कि जहां पे डिस्टॉर्शन पैदा ही नहीं होंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर डी जीरो स्टेट आ गई है तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी निकालूंगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए अगर डी जीरो आ गया है और वीक फील्ड के लिए भी अगर डी जीरो आ गया है तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, एक तो पहली कंडीशन ये आ गई डी जीरो की। दूसरी मेरे पास आ गया डी थ्री, आ गया डी थ्री होगा तो दोनों की मैं बात करूं डी थ्री में क्या होगा, पहले टी टू जी में भरेगा, पहले टी टू जी में भरेगा एक एक करके, और यहां पे भी सेम आएगा, यहां पे भी सेम आएगा, और दोनों में जब सेम आ रहा है आप देख लें कि ये एक सिमेट्री ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये एक सिमेट्री ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और सिमेट्री ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं होंगे। ये बात ही तो मैंने बताई थी कि जहां पर आपको फुली फील्ड या हाफ फील्ड मिल रहे हैं वहां डिस्टॉर्शन नहीं होंगे, जहां इनकम्प्लीट होंगे केवल वहीं डिस्टॉर्शन होंगे। तो दोनों के लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि भाई डी जीरो में भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा और डी थ्री में भी डिस्टॉर्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। आइए डी अगर सिक्स है इसके पास, डी सिक्स अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए तो भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सारे बढ़ जाएंगे फिर आपको वही चीज मिल रही है, फिर आपको सब स्टेबल मिल रहा है, डी सिक्स वाले केसेस में नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए डी फाइव में, इसके लिए डी फाइव में डिस्टॉर्शन नहीं होगा वीक फील्ड के लिए, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सारे के सारे देखो स्टेबल है, ये भी हाफ फील्ड स्टेबल और ईजी भी हाफ स्टेबल और ये टी टू जी भी आपका हाफ फील्ड स्टेबल है। तो मेरे पास तीन कंडीशन आ गए कि इस कंडीशन में भी नहीं होगा और इस कंडीशन में भी आपका नहीं होगा। अगला डी टेन, इसका डी टेन और इसका भी डी टेन की बात करूं तो भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सारे बढ़ जाएंगे, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो भी ये सारे बढ़ जाएंगे और वीक फील्ड होगा तो भी मेरे बच्चे आपके सारे के सारे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास दोनों के लिए कंडीशन आ गई, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए जीरो पे नहीं होगा, डी थ्री पे नहीं होगा, डी सिक्स पे नहीं होगा, डी टेन पे नहीं होगा, मैंने इलेक्ट्रॉन बांट के दिखाया, डी सिक्स वीक के लिए भी ये कंडीशन है, इनके लिए कोई डिस्टॉर्शन आपका नहीं होगा, आप इस बात को समझ लीजिएगा। मैं वहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं, उसके लिए एक स्टेट और है मेरे पास, उसके लिए मेरे पास एक स्टेट और है डी एट, इसके लिए मेरे पास डी एट एक स्टेट है, इसके लिए मेरे पास एक डी स्टेट है जहां पे डिस्टॉर्शन नहीं होंगे क्योंकि सिक्स यहां बढ़ जाएंगे, एक एक यहां जाएगा, पहले तो वन टू थ्री फोर फाइव जाएगा, सिक्स सेवन एट, तो समझ रहे सारे चीजें हाफ फील्ड स्टेबल होगा और ये फुली फील्ड स्टेबल होगा, और स्टेबल तो मुझे चाहिए नहीं, स्टेबल मिल गया तो डिस्टॉर्शन होंगे ही नहीं, इनकम्प्लीट होगा तभी डिस्टॉर्शन होंगे, बस इस चीज को जान ले, प्लीज इसे पॉज कर ले, नोट कर ले, क्यों, ये केवल कंडीशन किसकी है जब डिस्टॉर्शन नहीं होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है, प्लीज ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो आइए मैंने अभी कंडीशंस बताई थी कि जब डिस्टॉर्शन आपके नहीं होंगे तो क्या क्या कंडीशंस रहेंगी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए। अब मैं आपको बताता हूं डिस्टॉर्शन होंगे वो वाली कंडीशंस ले रहा हूं कि भाई जब डिस्टॉर्शन होंगे, ठीक है,
और डिस्टोर्शन जब होंगे, मैं वो वाली कंडीशन ले रहा हूँ कि जब डिस्टोर्शन होंगे, और डिस्टोर्शन होंगे तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि ज़्यादा डिस्टोर्शन कब होगा और कम डिस्टोर्शन कब होगा, ये भी कंडीशन आप पता कर सकते हैं। मीन्स वापस वापस आ जाइए काम पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मेरे पास, एक मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है, और दोनों के लिए आपको पिक्चर क्लियर है। डी और वाइटल होते हैं आपके इस तरीके से, हमने स्प्लेटिंग में पढ़ा था भाई, ईजी ऊपर चला जाता है और टीटू जी आपके नीचे आ जाते हैं, ये सब आपको पता जब हमने स्प्लेटिंग करी थी, ठीक है। ओके, समझ लीजिएगा थोड़ा सा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बड़ी गजब की चीज है, थोड़ा सा प्लीज सुन लीजिए। देखिए ईजी ऊपर, टीटू जी नीचे, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ये तो क्लियर है। अब मैं वो कंडीशंस ले रहा हूँ जहाँ डिस्टोर्शन होंगे, और मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँ, वो आपको बात क्लियर कर दूँ, बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ। अगर डिस्टोर्शन केवल T2G में पैदा होंगे, मीन्स सिमेट्रिकल नहीं आएगा, स्टेबल नहीं आएगा, स्टेबल आएगा, केवल T2G में डिस्टोर्शन पैदा होंगे, तो वो डिस्टोर्शन बहुत स्लाइटली होते हैं, बहुत छोटे डिस्टोर्शन होते हैं, बहुत लेस डिस्टोर्शन होते हैं। समझ लीजिए, अगर डिस्टोर्शन T2G में होते हैं तो वो आपके लेस डिस्टोर्शन होते हैं, और अगर अनसिमेट्रिकल सिस्टम ईजी में आता है, ईजी स्टेट में आता है, और अगर अनसिमेट्रिकल स्टेट अगर ईजी में आती है तो वो आपके लार्ज डिस्टोर्शन होंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि डिस्टोर्शन ज़्यादा कहाँ होंगे और कम कहाँ होंगे, ऑक्टेटल में ईजी में ज़्यादा होंगे और T2G में कम होंगे, क्योंकि ईजी होता है लिगेंड्स के पास, सॉरी ईजी कहाँ होता है, मेटल्स के डायरेक्ट सामने ही होता है, एक्सिस पर रखा होता है, आपको मैंने पढ़ाया था ये बात, इसलिए उनमें डिस्टोर्शन ज़्यादा होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, अब हम वो कंडीशंस ले रहे हैं जहाँ डिस्टोर्शन होंगे, और मैं केवल अभी वो डिस्टोर्शन ले रहा हूँ जो लेस डिस्टोर्शन शो करेंगे, और लेस डिस्टोर्शन कहाँ होते हैं, जो T2G में होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अगर D1 मेरे पास है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और D1 इसके लिए भी है तो भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, डिस्टोर्शन होगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल किसको कहा था मैंने, हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, ना तो हाफ है ना फुली है, ये तो इनकम्प्लीट है, तो डिस्टोर्शन होगा, यहाँ पे भी डिस्टोर्शन होगा, दोनों के लिए D1 की स्टेट जो होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भी और वीक फील्ड के लिए भी डिस्टोर्शन जो होंगे वो D1 के लिए अप्लाई होगा, और T2G में डिस्टोर्शन आ रहा है तो सर ये लेस डिस्टोर्शन होगा। अगर D2 की बात करूँ तो D2 के लिए भी आप समझ सकते हैं दोनों में डिस्टोर्शन होगा, दोनों के लिए D2 की स्टेट डिस्टोर्शन पैदा करेंगी, दोनों के लिए D2 की स्टेट जो होंगी डिस्टोर्शन पैदा करेंगी, ये बात आप सुन लीजिएगा, दोनों के लिए D2 की स्टेट डिस्टोर्शन पैदा करेंगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर इसके पास D4 है तो 3, 4, D4 है तो क्या आ जाएगा, समझ लीजिएगा, D4 है तो क्या आ जाएगा, डिस्टोर्शन होगा, D4 के लिए डिस्टोर्शन होगा, और D5 है तो भी डिस्टोर्शन होगा, आप देख लें, क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए 4 कंडीशन आई मेरे पास, D1, D2, D3, D4 और D5 की आई, ये लेस डिस्टोर्शन शो करेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर D6 जो स्टेट लूंगा वो डिस्टोर्शन पैदा करेगी, क्योंकि सब में जाएगा पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। T2G में डिस्टोर्शन आएगा D6 में, और D7 में भी डिस्टोर्शन आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए 4 कंडीशंस आई लेस डिस्टोर्शन की, और इसके लिए भी ये 4 डिस्टोर्शन की कंडीशन आ गई, नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो आइए, हमने डिस्टोर्शन देख लिया है, लेस डिस्टोर्शन की बात हो गई, अगर T2G में अनस्टेबिलिटी आती है तो डिस्टोर्शन होगा, क्या क्या कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दी सारी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए और वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए। आइए चर्चा करते हैं, अगर मोर एंट्रेंस होगा, डिस्टोर्शन होंगे, अगर ज़्यादा डिस्टोर्शन होंगे तो कब होंगे। तो मैं क्लियर कर चुका था, जब भी ईजी स्टेट में भैया जब भी अनस्टेबिलिटी आएगी तो डिस्टोर्शन होंगे, लेकिन वो डिस्टोर्शन कैसे होंगे, वो लार्ज डिस्टोर्शन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है जब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस हम लोग बनाते थे तो ईजी और वाइटल जो थे आपके वो डायरेक्ट थे लिगेंड्स के बिल्कुल सामने, वो मेटल के ठीक सामने एक्सिस पे थे, वो डायरेक्टली अटैच रहते हैं, वहाँ डिस्टोर्शन ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि डिस्टोर्शन कब ज़्यादा होते हैं, T2G की वजह से या ईजी की वजह से, तो ईजी की वजह से डिस्टोर्शन ज़्यादा होते हैं, ये हमारा जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहता है। पहले मैं कंडीशन बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डिस्टोर्शन ज़्यादा होंगे तो, और वीक फील्ड के लिए क्या होंगे। तो एक कंडीशन तो मेरे पास D4 है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, D4 अगर स्टेट है मेरे पास तो डिस्टोर्शन आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि D7 की बात कर रहा हूँ, D7 होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन, एक इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा, और ये कैसा होगा, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने की वजह से डिस्टॉर्शन होगा इस स्टेट में, यहाँ पे डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होगा। डी एट ले लेता तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आता, ये डिस्टॉर्शन नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी ले जाता, ये स्टेबिलिटी ले जाता, लेकिन डी एट की जगह डी नाइन अगर मैं ले लेता हूँ तो डिस्टॉर्शन होगा, फिर भी ईजी में आप देख सकते हैं अनस्टेबिलिटी आएगी और जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, तो दो स्टेट आते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए, और वीक के लिए भी मैं लिख देता हूँ, एक तो डी फोर और डी नाइन वाली स्टेट अगर आपको मिल जाए तो डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि डी फोर में इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे फिल होगा, ईजी में देखो अनस्टेबिलिटी आ गई, ईजी में अनस्टेबिलिटी आ गई, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ईजी में, तो भैया अनस्टेबिलिटी आ गई, डिस्टॉर्शन होगा। डी नाइन भरूंगा तो यही भर जाएगा, तो भी डिस्टॉर्शन आएगा किसमें, ईजी में। ठीक है, तो हमने डिस्टॉर्शन की बात करी, आप मेरे भाई अपने आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, वीडियो पहले पूरा सुन लीजिएगा, पूरा सुन लीजिएगा, जितना आपके सिलेबस में था मैंने उतना बताया है आपको कि जेटीडी जो है, जॉन डीलर डिस्टॉर्शन है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ रहे हैं, होता तो टेट्रा में भी है, स्क्वायर ब्लेंडर में भी होता है, केवल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में होता है, लीनियर में नहीं होता है जेटीडी, ये भी बात याद रखना। जेटीडी से क्या होता है कि सब कुछ बॉन्ड छोटे हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड बड़े हो जाते हैं, जिनमें जेड भर जाता है वो जेड आउट होते हैं, जिनमें जेड छोटा होता है वो जेड इन होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये सीखा कि कब जॉन डीलर डिस्टॉर्शन लागू होगा, मतलब किस किस कंडीशन में डिस्टॉर्शन होंगे, और किस कंडीशन में ज्यादा होंगे डिस्टॉर्शन, और किस कंडीशन में डिस्टॉर्शन कम होंगे, मैंने वो भी अलग अलग कैटेगरी दी आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए क्या होंगे और वीक फील्ड लिगेंड के लिए डिस्टॉर्शन आपके क्या होंगे, यही सब तो लिखना होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही सब लिखना होगा, अगर माइंड में एक बार सेट हो गया ना तो आप खुद से सब कुछ लिख सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, ये जो मेटल लिगेंड्स वाला कॉन्सेप्ट था पूरा लगभग खत्म हो गया है, हमारा अगला सेशन जो रहेगा वो फिजिकल केमिस्ट्री से रहेगा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेगा, जुड़े रहिए और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।